येस हेलो एवरी वन वेरी 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 गुड मॉर्निंग टूडे इज़ एट्थ ऑफ नवम्बर एंड वी आर हेयर फॉर द करेंट फेस्ट क्लास तो और बताइए कैसे हैं आप लोग अब बढ़िया एवरीथिंग इज़ गुड एवरीथिंग इज़ फाइन वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन सो वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनी एम सी क्यूज़ बहुत सारे एम सी क्यूज़ को हम लोग डिसकस करेंगे इसके साथ कुछ कंसेपचुअल टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग समझेंगे तो so, आप लोग जो हैं वो बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए माइंड को अलर्ट कर लीजिए थोड़ा सा uh, फोकस करने का कोशिश कीजिए आजकल के यूथ में प्रॉब्लम है ना तो फोकस कम होता है और एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर सोच लोगे ना कि ये करना ही करना है आई हैव टू डू दिस आई वॉन्ट टू डू दिस आई विल डू दिस तो वो चीज़ हमेशा हो जाती है बट इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन द कमिटमेंट ऑन द कि आप कितने उस चीज़ को लेके सीरियस है आप कितने उस चीज़ को लेके कमिटेड हैं और स्पेशली आप अलर्ट हैं अलर्ट होने का मतलब क्या होता है कि अलर्ट होने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मेरा एग्जाम है एक वीक बाद एग्जाम है या फिर जब ऐसा होता है कि तीन महीने बाद एग्जाम है छह महीने बाद एग्जाम है तो भी आपने अपने हर एक दिन का आकलन किया है आपने सोचा कि नहीं एग्जाम मेरा कितने भी दिन बाद हो मैं अपना एक समय एक भी समय बर्बाद नहीं करूंगा बर्बाद करने का यह मतलब नहीं होता है कि तुम खुश मत रहो बर्बाद करने का यह मतलब नहीं होता है कि आप जाके मोमो नहीं खाइए बर्बाद नहीं करूँगा इसका मतलब ये होता है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ जब मैं वैन आई एम स्टडिंग देन आई एम स्टडिंग विथ माई होल कॉन्सेंट्रेशन विथ हंड्रेड परसेंट फोकस आई एम देन ओनली स्टडिंग जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ और जब देन वैन दैट आई एम डूइंग दैट दैट इज़ माई पर्सनल थिंग ठीक है जब मैं पढ़ रहा हूँ इट इज़ वेरी पर्सनल थिंग एंड आई आई एम नॉट डेविएटेड उस समय कोई मोबाइल कुछ 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 भी दुनिया का को कोई भी चीज़ मेरा ध्यान भटका नहीं सकता है उस टाइप का अगर डेडिकेशन आ जाएगा ना अपने एग्जाम से रिलेटेड मेरा अगर मान लीजिए मेरा एफ कैट का एग्जाम है मेरा एस एस सी जेई का एग्जाम है एंड आई एम वेरी मच डेडिकेटेड कुछ भी हो जाए तो उसके बाद ही सिलेक्शन होती है वो जो आप में आ जाता है वो जज्बा फेस यू योर फेस विल स्टार्ट ग्लोइंग जब कोई एग्जाम की बात कर रहा है यू विल बी सो कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट जो है वो पर्सनैलिटी में दिखता है ठीक है इसलिए आप देखिए डिफेंस में क्या होता है डिफ़ेंस में आपके एग्जाम के बाद पाँच दिन का एस भी होता है सी डी में होता है एफ कैट में एफ भी होता है तो वाई इट हैपन्स बिकॉज अब वो देखना चाहते हैं कि जो आपने पूरा अपना जर्नी किया है जब आपको कुछ नहीं आ रहा है और वो ये मान रहे हैं कि ठीक है एक टाइम होता है कि जब आपको कुछ नहीं आ रहा है दैट इज़ नॉट अ इशू लेकिन जब आपने पढ़ना शुरू किया जब आपको अब चीज़ें आने लगी हैं तो किस तरह से आपने उसको ग्रास्प किया है हमेशा ईमानदारी से कीजिएगा

है ना मून का हमेशा एक ही साइड दिखता है ब्राइट साइड दिखता है तो मून के डार्क साइड को ये एग्जामिन करेगा नेक्स्ट आधार मित्रा अ न्यू चैट बोर्ड लॉन्च बाय यू यू आई डी आई तो आधार मित्रा एक नया चैट बोर्ड है जो कि यू आई डी आई द्वारा लॉन्च किया गया है ओके फिफ्टींथ अर्बन मोबिलिटी मोबिलिटी ये भारत का कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ये कोचिन में हो रहा है तो अर्बन मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये ये कॉन्फ्रेंस जो है ये शहरों के मोबिलिटी के बारे में इंडिया टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड स्टार्टिंग इन लंडन तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट ये हो रहा है लंडन ब्रिज पे लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन ठीक है तो यहाँ पे भारत पार्टिसिपेट करेगा एशियन हॉकी फेडरेशन सीईओ तयाब इक्रम तयाब इक्रम जो है ये इलेक्ट हुए नए प्रेसिडेंट किस चीज के एशियन हॉकी फेडरेशन के ठीक है तो अब एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कैंसर अवेयरनेस डे ये किस दिन ऑब्जर्व होता है ये बताएंगे है ना किस दिन होता है बिल्कुल ठीक है सबको पता है कि ये सेवेंथ ऑफ नवंबर को होता है तो सेवेंथ ऑफ नवंबर को ये लोगों में कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है अगर आप हार्ट अटैक को देखते हैं तो उसके कारण सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है एक साल में और सेकेंड जो है वो कैंसर के कारण होती है ठीक है अगर ये पूछा जाए आपसे कि भारतीय प्रवासी दिवस तो प्रवासी का मतलब क्या होता है जो लोग बाहर रहते हैं देश के और वो लोग जब इंडिया में आते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं प्रवासी है कहते हैं जैसे कि गांधी जी बाहर रहते थे साउथ अफ्रीका में रहते थे और 9 जनवरी 1915 में भारत आए तो द क्वेश्चन इज कि भारतीय प्रवासी दिवस जो हम हर साल जनवरी को मनाते जनवरी में मनाते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है चीफ गेस्ट कौन है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ये गुएना के प्रेसिडेंट हैं गुएना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ये चीफ गेस्ट बनेंगे सेवनटीन भारतीय प्रवासी दिवस का इस बार का प्रवासी दिवस कहाँ होने वाला है इंदौर मध्य प्रदेश में आठ तारीख आठ से लेकर आठ तारीख से ये होने वाला है आपका दस जनवरी के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया स्क्वैश टीम तो विच टीम हैज क्लिच विच टीम हैज क्लिंच द गोल्ड एट एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप तो एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम जो है वो टीम है द इंडियन मैन टीम हैज क्लिचड तो फर्स्ट एवर एशियन स्क्वाश का मतलब समझते हैं जैसे लॉन टेनिस होता है ना लॉन टेनिस में दो लोग खेल रहे होते हैं लेकिन स्कॉश में सामने एक वॉल होता है तो स्कॉश में सामने एक वॉल होता है और फिर दिस इज अबाउट दिस मैं अगर सारे मंथ की मंथली करंट अफेयर रिवाइज कर लूँ तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना नहीं छूटेगा बाबू नहीं छूटेगा <laughs> मतलब ठीक है स्टूडेंट नहीं छूटेगा तो ये जो है साउथ कोरिया में हुआ और भारत ने इसको फर्स्ट टाइम जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द प्लेयर ऑफ द मैच एट सईद मुस्ताक अली ट्रॉफी सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी जो है यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच जो, जो है जो है जो है तो ये किसने जीता ये आप बताइएगा आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है hmm. इतने अच्छे से पूछा ना वो तो हम सोचे कि अच्छे से उसको बता दें सचिन सचिन बड़ा प्यार से पूछा है मैम अगर मैं सारे मंथ की लग रहा है कितना डरा हुआ है करंट अफेयर्स रिवाइज कर लू अब तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना क्यों छूटेगा जब सब काम कर लोगे तो तो क्यों छूटेगा हाँ जी तो ये बताएंगे सईद मुश्ताक अली ये ट्रॉफी नहीं तनुष कोटियान ने जीता है ठीक है तनुष कोटियान पावर पैक परफॉर्मेंस फ्रॉम सरफाज खान एंड तनुष कोटियान तो ये जो कोटियान जी जो हैं ये कहाँ पे जीत रहे हैं ये अपना मेडन ये ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है मुंबई क्रिकेट टीम टू तो इट्स मेडन और इनका पावर पैक परफॉर्मेंस था सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी इन्होंने जीता है और मुंबई की टीम ने किसको हराया हिमाचल प्रदेश को हराया कितने विकेट से हराया तीन विकेट से हराया और द मुंबई टीम इज लेड बाई अजंकिया रहाने बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने ये आप बताइएगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने ठीक है तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है मोहम्मद तैयब इकराम ये मकाऊ के हैं ठीक है एशियन हॉकी फेडरेशन के सीईओ मोहम्मद तैयब इकराम ये मकाऊ के हैं ये बने हैं आपके प्रेसिडेंट इसको याद रखेंगे नेक्स्ट आप बताएंगे हु हैज लेड इंडिया इंडियन डेलीगेशन टू 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ द यूएन एफसीसीसी पॉप ट्वेंटी सेवन तो यूनाइटेड नेशन फेडरेशन फॉर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस फॉर क्लाइमेट चेंज यहाँ पे आप बताएंगे सी ओ पी ट्वेंटी सेवन सी ओ पी ट्वेंटी सेवन का मतलब है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है और सत्ताईस ट्वेंटी सेवन पार्टी ये मीट हो रही है और ये मीट कहाँ होगी कौन लीड करेगा भूपेंद्र यादव जी जो हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं वो इसको लीड करेंगे और ये कहाँ होने वाली है ये मीट होने वाली है शर्म अल शेख इजिप्ट में छः से लेकर अठारह नवम्बर के बीच में नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ रिलायंस स्ट्राटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड तो रिलायंस का जो ये चेयरमैन बने हैं इनका नाम है कुंदापुर कुंदापुर वमन कामत ठीक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं रिलायंस स्ट्राटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर फाइव ईयर्स और अभी एक आ, बैंक में ठीक है नेशनल बैंक फॉर फिनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं श्याम प्रसाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये रूबन क्या है रूबन का मतलब तो है, रूलर प्लस अर्बन तो रूलर प्लस अर्बन ये मिशन एस पी एम आर एम श्यामा प्रकाश मुखर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये मिशन है आपसे पूछा जा रहा है विच, ह, विच क्लस्टर हैज बिकम द फर्स्ट क्लस्टर टू बी कम्प्लीटेड अंडर दिस तो अब ये क्लस्टर का मतलब क्या है यानी कौन सा जगह तो एवेक क्लस्टर जो है ये आइजोल डिस्ट्रिक्ट में है ये मिज़ोरम में है ये फर्स्ट क्लस्टर है टू बी कम्प्लीटेड अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये मिशन है और यहाँ पर इसको कम्प्लीट किया जा रहा है श्याम सरन नेगी द फर्स्ट वोटर ये पहले वोटर थे फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो जब से भारत आज़ाद हुआ है पंद्रह अगस्त 1947 में और 1950 से 51 में आपकी वोटिंग हुई है तो पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट वोटर है श्याम सरन नेगी ये श्याम सरन नेगी कहाँ के हैं श्याम सरन नेगी हिमाचल प्रदेश के हैं ठीक है ठीके? और ये 106 साल के हैं ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश के ये फर्स्ट वोटर हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर यूपी गवर्नमेंट मथुरा वृंदावन हैज़ बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो ये मथुरा वृंदावन में क्या होगा कि कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पे जितने भी कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको ये कंज्यूम कर लेंगे तो इट, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि कार्बन का एमिशन नहीं होगा न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना कार्बन का एमिशन होगा उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा ठीक है तो ये दो टू थाउजेंड तक ये होगा और ये नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन होगा मथुरा वृंदावन में फाइन नेक्स्ट आप देखें नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उज्जैन टू गेट वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक तो मध्य प्रदेश उज्जैन में क्या होगा दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक यहाँ पे मिला है ओके okay. सेवेंटीन प्रवासी दिवस कन्वेंशन गुएना प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली टू बी द गेस्ट तो अभी हम लोगों ने इस बारे में ही बात की थी कि ये गुएना के प्रेसिडेंट हैं और इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और ये सेवनटीन्थ प्रवासी दिवस ये भी याद रखेंगे कि ये सेवनटीन प्रवासी दिवस इंदौर में हो रहा है तो ये बनेंगे गेस्ट नेक्स्ट आप देखें उत्तराखंड गॉड ऑफ सम्मान तो एन एस का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एंड लेट सीडीएस डी एस विपिन रावत जी को ये अवार्ड मिलने वाला है ठीक है नेक्स्ट किशोर के बास बासा ये नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के ये चेयरमैन बन चुके हैं इंडिया सेलिब्रेट वन हंड्रेड एंड थर्टी फोर्थ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सी वी रमन तो वन हंड्रेड एंड थर्टी फोर्थ डेट भले ना पूछा जाए कितना वा है ये पूछा जा सकता है जनजातीय गौरव दिवस तो जनजातीय गौरव दिवस तो अभी हम लोग बात करेंगे इस पर ठीक है पिसा मुंडा पर भी बात करेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे राइजिंग सन वाटर फेस्ट दो हज़ार बाईस ये कहाँ हुआ राइजिंग सन ये मेघा ये हुआ आपका दिस हाज हेपेंड इन मेघालय ठीक है मेघालय मेघालय में तीन मेघालय में तीन ये हैं माउंटेंस हैं गारो खासी एंड जैनतिया तो गारो सबसे वेस्ट में है खासी बीच में है जैनतिया सबसे ईस्ट में है और खासी में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड यू एस ए आई डी ने लॉन्च किया टी ओ एफ आई प्रोग्राम तो ये हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और यू एस ए आई डी है जिसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है क्या है अभी हम लोग जानेंगे अभी धीरे धीरे वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग नेक्स्ट आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हु हैज हैज बिकम बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ टेक्नोलॉजी लिमिटेड तो ये जेंसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड के जो इंट्रिम एम बने हैं ये अनंत गोइन का है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉट विद स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ वन एज वन कमेंटेशन अवार्ड इन अर्बन ट्रांसपोर्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट में ये केरला ने इस अवार्ड को जीता है विच कंट्री हैज़ लॉन्च बाइडो बाइडो एक सैटेलाइट है नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट है ये किस कंट्री ने लॉन्च किया ये चाइना ने लॉन्च किया है ओके okay, नेक्स्ट आप देखें पर्पल फेस्ट पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी सो पर्पल फेस्ट का मतलब क्या होता है डाइवर्सिटी मतलब द थीम इज सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी दिस यू टेल मी की हु इज द होस्ट विच प्लेस इज द होस्ट गोवा इज द होस्ट इन विच स्टेट इलेवेंथ एडिशन ऑफ एनअल जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जी एम टी जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर एज कमेंड तो भारत और सिंगापुर के बीच में जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग ये स्टार्ट हुई है आप बताइए कि किस स्टेट में स्टार्ट हुई है यू आई डी ए आई फॉर यू आई डी ए आई फॉर बेटर रेजिस्टेंट एक्सपीरियंस तो बेटर रेजिडेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे एक चैट बोर्ड है चैट बोर्ड का मतलब कि अगर आप किसी किसी शहर में रह रहे हैं तो उस शहर में आप और बेहतर तरीके से रहें तो उसके लिए एक चैट बोर्ड बनाया गया है उसका नाम अभी है आधार मित्रा जो हमने सबसे पहले पढ़ा आज विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूज अ लेसन ऑन फातिमा शेख अ लेसन ऑन फातिमा शेख और इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन मुस्लिम टीचर तो फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम वुमेन टीचर थी इन पे लेसन आंध्र प्रदेश में पढ़ाया जाएगा ठीक है तो अभी और क्लासेस अभी और क्वेश्चंस हैं हाँ गाइज़ एफ कैट का बैच रिलीज हो चुका है लॉन्च हो चुका है सेकेंड ऑफ नवंबर से स्टार्ट हुआ है एंड सिमिलरली सी के बैचेस भी आ चुके हैं तो अगर आप एफ कैट और सी के बैच में अभी तक एनरोल नहीं किए आप ज़रूर करें अगर आप एफ कैट और सी की तैयारी करना चाहते हैं रॉकेट पेलोड ठीक है तो आप इस पर बात करते हैं थोड़ा क्वेश्चन तो, आंसर तो कर लिया हमने नाउ द थिंग इज अबाउट डिस्कशन वट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू डू डिस्कशन यस तो अब बात क्या है रॉकेट पेलोड कंपेरिजन के बारे में तो यहाँ पे पहले तो आप सबका नाम सुन लीजिए और पढ़ लीजिए क्योंकि ये सारे रॉकेट्स जो हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं स्पेस शटल रिटायर कर चुका है उसके बाद एरियान आया है फिर फिराटलस है फैल्किन नाइन है प्रोटोन uh, एम है डेल्टा सिक्स हैवी है और अब बात हो रही है फैल्कन हैवी uh, की तो ये समझते हैं ये क्या है और ये लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वड इन टन्स तो ये बेसिकली क्या है ये टन्स ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इनके टंस हैं रिसेंटली अभी अभी क्या हुआ कि एलॉन मस्क एलॉन मस्क की कंपनी कौन से है स्पेस एक्स है एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और इन्होंने लॉन्च किया फैल्कन हैवी रॉकेट इनटू अ जियोसिंक्रोनस जियो अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम नासा ये नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा यूएसए में है यहाँ से इसको लॉन्च किया गया फैल्कन हैवी रॉकेट के बारे में आपको जानना होगा कि ये एक रॉकेट सिस्टम है स्पेस एक्स का जिसने स्टार्ट किया अपना इनका डेब्यू हुआ कब 2018 हजार में हुआ और जो बाकी है अदर टू फैल्कन एंड अदर टू फैल्कन जो है है ना ठीक है 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 तो जो 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 ये ये हुई 2019 में SpaceX करता है, SpaceX क्या करता क्या रॉकेट इन वर्ल्ड तो हैवी दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है ऐसा तो स्पेस एक्स डिक्लेयर करता है एंड अ लिफ्टिंग कैपेसिटी ये कितने पेलोड को लिफ्ट कर सकता है सिक्सटी फोर मेट्रिक टन सिक्सटी फोर मेट्रिक टन इनका पेलोट कैपेसिटी है विच इज ट पेलोट कैपेसिटी ऑफ डेल्टा डेल्टा फोर हैवी तो इसके पहले का जो आपका रॉकेट सिस्टम है यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा फोर हैवी तो इसके कैपेसिटी से ऑलमोस्ट इसके कैपेसिटी से ऑलमोस्ट ये डबल है क्योंकि ये ट्वेंटी नाइन है ट्वेंटी नाइन मोर देन डबल तो स्पेस एक्स स्पेस एक्स जो कि लॉर्नमस की कंपनी है कह रही है कि ये क्या है ये सबसे इट इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट फाइन इट इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट करंट मिशन क्या है द फोर्थ इट दिस इज द फोर्थ लॉन्च ऑफ द जा रॉकेट सिस्टम कैरिंग सैटेलाइट टू स्पेस फॉर द यू एस मिलिट्री इन अ मिशन अम्ड यूएस स्पेस फोर्स यू एस एस एफ फोर्टी फोर

वर्क मिल गया है साइन कर दिया गया है अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड इन मस्टर रोल तो उसका उनके अटेंडेंस आ गए हैं मस्टर रोल में उनके अटेंडेंस आ गए हैं मेजरमेंट ऑफ वर्क इज डन काम को नापा गया एंड पे ऑर्डर इज जनरेटेड पेमेंट इज रिसीव विद इन फिफ्टीन डेज ये पूरा सिस्टम आपको लग रहा है कि ये एक स्कीम का है ये एक स्कीम का है अब आपने बताना है कि ये किस स्कीम का है ठीक है ये किस स्कीम का है ये बताइए तो गर्मी जो है वो तो थोड़ी ज़्यादा हो गई है हाँ जी क्या एनी आइडिया एनी आइडिया ये किस स्कीम का है वेरी गुड हिमांशु हिमांशु है हमारे साथ हिमांशु कुमावत वेरी गुड एक्सिलेंट एक्सिलेंट ठीक है mm -hmm. वन स्टूडेंट सूरज कुमार ने आंसर दिया है अभिषेक पुरोहित ने आंसर दिया ठीक है। तो ये कौन सा स्कीम है ये मनरेगा स्कीम है तो आपको ना थोड़ा बहुत अब स्कीम से एक एक करके समझना होगा जैसे अभी पहले मनरेगा के बारे में जान लीजिए मनरेगा क्या है वॉट इज मनरेगा मनरेगा जो है वो क्या है तो मन इट गारंटीज द राइट टू वर्क ठीक है काम करने का अधिकार बाई लीगल प्रोवाइडिंग एटलीस्ट हंड्रेड डेज ऑफ वेजेस ठीक है एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया ये याद रखेंगे इन रूरल एरिया इसका मंत्रालय जो है इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विथ स्टेट गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विथ स्टेट गवर्नमेंट अगेन वॉट इट इज इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है या तो सिक्सटी फोर्टी हो ठीक है या तो फिफ्टी फिफ्टी हो स्टेट के साथ अगर यही चीज सेंटर स्पॉन्सर्ड हो जाती अगर यही चीज सेंटर स्पॉन्सर्ड हो जाती तो क्या होता कि दैट वुड भी हंड्रेड परसेंट जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्लियर विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन और फ्रॉम द डे वर्क इज डिमांडेड तो अगर आप कह रहे हैं कि डिमांड ड्रिवेंट स्कीम है यानी आपको काम चाहिए आप मजदूर हैं आपको काम चाहिए वेज एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड तो जैसे ही आप डिमांड कर रहे हैं कि आपको काम चाहिए तो विल बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट एंड अलायंस इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज आर नॉट प्रोवाइडेड तो अगर आज मैं बोल रही हूँ कि मुझे काम चाहिए एक तारीख को और पंद्रह दिन के अंदर अगर मुझे काम नहीं मिल रहा है मनरेगा के तहत तो भी मुझे वेजेस तो भी मुझे काम मतलब पैसा मिलेगा ठीक है दिस इज द थिंग सोशल ऑडिट ऑफ मनरेगा वर्क इज मैंडेटरी तो सोशल ऑडिट होगा सोशल ऑडिट कौन करेगा यानी कि इस पर ट्रांसपेरेंट रहेगा ग्राम सभा ग्राम पंचायत आर अप्रूव द सेल्फ ऑफ वर्क अंडर मनरेगा एंड फिक्स देयर प्रायोरिटी तो आप लोग मुझे मनरेगा का फुल फॉर्म बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में ठीक है मनरेगा का आप जरूर फुल फॉर्म फुर, बताएंगे कमेंट सेक्शन में मनरेगा का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वो है बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं ठीक जन है जनजातीय हाँ। तो अब अब इसमें क्या जानना है हम लोगों को तो बिरसा मुंडा के बारे में जानने के पहले हम जानते हैं इस दिवस के बारे में टू कॉमरेट दीब्यूशन ऑफ ट्राइबल फ्रीडम तो ट्राइबल फाइटर्स जितने ट्राइबल फाइटर्स ठीक है तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स में क्या था कि बेसिकली इनके पास फॉरेस्ट था ठीक है अब अंग्रेज क्या करते थे इन फॉरेस्ट को काट देते थे और उससे सारे रिसोर्सेज निकाल लेते थे तो यहाँ पे जो लोग ट्राइबल जो लोग रहेंगे ट्राइब्स ट्राइबल लोग रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम तो होगा ही तो वो उनको इतना प्रॉब्लम होता था कि वो इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिए बिरसा मुंडा के पहले भी रिवोल्ट हुआ है उस रिवोल्ट का नाम है संथाल रिवोल्ट ठीक है संथाल एक ट्राइब है झारखंड में और यहाँ पे सिद्धू सिद्धू कानू चांद भैरव जनरली सिद्धू कानू आप सुनोगे लेकिन चांद भैरव भी है ये पांच ये चार भाई थे और इन चारों भाई ने क्या किया कि संथाल ट्राइब्स थे ये और इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश ओके okay. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम सबको पता है ठीक है तो देखिए नाम में ही रूरल है तो इसीलिए आप लोग याद रखेंगे कि वो रूरल से रिलेटेड है ओके तो फिर आप देखिए कि इसको कौन से मंत्रालय ने अभी सेलिब्रेट किया अब आप लोग को लगेगा ट्राइबल अफेयर्स नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको अभी सेलिब्रेट किया है है ना क्या है नाम जनजातीय गौरव दिवस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि पंद्रह नवंबर को हम क्या मनाएंगे जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे ठीक है डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ ब्रेट ब्रेफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर और इनका नाम क्या है इनका नाम है बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा को सिंह बोंगा का अवतार भी माना जाता है सिंह बोंगा का अवतार क्योंकि ये माना जाता था कि ये एक मतलब इनको भगवान मानते थे ठीक है और अगर किसी को कोई बीमारी और उन्होंने बिरसा मुंडा को बिरसा मुंडा ने बस उनको टच कर दिया तो वो बीमारी दूर हो जाएगी तो ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा इनको भगवान माना जाता था

ये जो रिवोल्ट हुआ ये 1899 से लेके 1900 के बीच में हुआ ठीक है संथाल रिवोल्ट इसके पहले हो चुका था संथाल रिवोल्ट जो है वो 56 जस्ट आगे पीछे हो रहा था संथाल रिवोल्टज माई बर्थ डे अमन देखें किक ऑफ द ड्रीम्स अब ये न्यूज क्या है तो द न्यूज इज वॉट इज द न्यूज इट भारत में अभी अंडर सेवनटीन वर्ल्ड कप हुआ है ना तो ये हुआ लेकिन इसको जीता किसने है तो बेसिकली स्पेन डिफीटेड 15 अंडर सेवनटीन वर्ल्ड कप अगेंस्ट द फर्स्ट टाइम फाइनलिस्ट कोलंबिया ठीक है तो किसने जीता ये बेसिकली स्पेन ने जीता है किसको हरा कर जीता है तो कोलंबिया को हरा कर जीता है स्पेन वन द मैच फ्टर एन ओन गोल इन एट्टी सेकेंड मिनट तो एट्टी सेकेंड मिनट ऑफ द फाइनल्स कोलम्बियन डिफेंडर तो बेसिकली ये क्या है ये जपार्टा जो है ये कोलम्बिया की गोल कीपर हैं लेकिन किसने मैच जीता तो स्पेन ने जीता सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ और ये भारत में ये मैच हुआ है यू हैव टू टेल मी कि ये पाटिल सॉरी पाटलिपुत्रा में हुआ पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है ये कहाँ पे इट इज इन विच सिटी नेक्स्ट रिटेल ज्वेलर मेजर मालाबार बिकम्स फर्स्ट इंडियन ज्वेलर टू इंपोर्ट 25 फाइव के जी ऑफ यू ए तो यू ए में भारत यू ए में भारत ने 25 के जी गोल्ड को अभी अभी भेजा है ठीक है और ये जो गोल्ड भेजा गया है यू ए द्वारा यू ए में ये किस कंपनी ने भेजा है तो ये मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स ने भेजा है नेक्स्ट इंडिया डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया टू विन थर्ड सुल्तान ऑफ जोहर कप तो इंडिया ने क्या किया कि इन्होंने डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया को so, और भारत ने किसको हराया ऑस्ट्रेलिया को हराया राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है दो हेलीपैड इन लद्दाख तो लद्दाख में राजनाथ सिंह ने दो हेलीपैड यानी वहाँ हेलीकॉप्टर जाकर रुकेंगे उसको लॉन्च किया गया है नाउर नेक्स्ट टॉपिक इज यू

बेसिकली ये कहा गया कि अभी तक हम लोग अपने religion, अपने रिलीजन अपने अपने कस्टम के अकॉर्डिंग उसको फॉलो कर रहे हैं लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड से इज दैट कि ये जो है ये सब चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो बुद्ध हो जैन हो क्रिश्चन हो सिख हो कोई भी हो सबको एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना चाहिए तो आर्टिकल नंबर फोर्टी फोर ये कहता है ये डीपीएसपी में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है

ये चार से लेकर दस अक्टूबर के बीच में इसको ऑब्जर्व किया गया स्पेस वीक को ठीक है स्पेस वीक को ऑब्जर्व किया गया है इसको आप याद रखेंगे अक्टूबर की बात है ये नेक्स्ट आप देखें एटीपी तो रोहन बोपन्ना और मातवे मिडल को uh, मिडल कूप ने क्लिंच किया एटीपी टी पी तेलवीव वाटर गेन अवार्ड आपको बताना है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है क्या ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है या ये बैडमिंटन से रिलेटेड है अगर पीछे आप नेट देख रहे हैं और नेट का साइज देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है है ना ये बताइएगा नेक्स्ट है कि नेशनल गेम्स अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड चैम्पियनशिप किसने जीता तो अंतिम पनगल ने जीता है ये रेसलिंग करती हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है इंडियन अमेरिकन डॉक्टर विवेक लाल ये सब थोड़ा रिविजन हो रहा है विवेक लाल को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिका में ठीक है वर्ल्ड टीचर्स डे तो आप जानते हैं कि पाँच अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे नेशनल टीचर्स डे आपको पता है पाँच सेप्टेम्बर को मनाया जाता है हाँ जी अडानी ग्रीन कमीशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट तो दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट कहाँ आया अडानी ग्रीन कमीशन में आया ठीक है तो कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप ये लगाया गया है तो अब आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ लगाया गया है ठीक है ये कहाँ लगाया, लगाया गया है ये, गया? ये गया है? आप बताइए हम्म यस ठीक है तो द आंसर इज राजस्थान अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कमीशन किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा विंड और सोलर दोनों को मिला के ठीक है और ये 600 मेगावाट का है अडानी ने इसको अडानी कंपनी ने इसको जैसलमेर राजस्थान में लगाया है अभी राजस्थान के बारे में आपको पता है कि जयपुर कैपिटल है चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्रा जो है यहाँ के गवर्नर है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये अप्रूव कर दिया गया है यहाँ पे फोर्टीन प्रोजेक्ट्स 14 प्रोजेक्ट्स जिसका वर्थ कितना है 1145 करोड़ है नेक्स्ट तो अब आप आपसे पूछा जा रहा है कि 1145 करोड़ जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कितने प्रोजेक्ट्स हैं टोटल तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर 14 राइट right? 14 प्रोजेक्ट्स हैं नेक्स्ट युवा युवा का फुल फॉर्म क्या है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथॉरिटी तो यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर 2.0 मोदी जी ने इसको इनकरेज करने के लिए जो लोग अच्छा लिखते हैं उनको इनकरेज करने के लिए किया है और युवा जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि युवा में वी का मतलब क्या होता है वी का मतलब क्या होता है है ना हाँ रोशन आपको मिल जाएगा मैं आपको बता देती हूँ डिटेल बता देती हूँ ठीक तो युवा का मतलब क्या है वर्सेटाइल है ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया आर्मेनिया के साथ ताकि ये ये एक्सपोर्ट कर सके मिसाइल रॉकेट एंड एम्यूनेशन तो जो भी हथियार है उसको एक्सपोर्ट किया जा सके आर्मेनिया के साथ इसको साइन किया गया है तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने पहली बार एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ ये आपसे पूछा जा रहा है ताकि ये मिसाइल रॉकेट एम्यूनेशन को एक्सपोर्ट कर सके तो ये आर्मेनिया के साथ किया गया है फाइन नेक्स्ट तेलंगाना में आसार ठीक है आसरा बोल सकते हो अस, आसरा पेंशन फॉर पुअर तो जो लोग गरीब हैं पे उनको पेंशन दिया जाएगा ये तेलंगाना में तो आपसे पूछा जा रहा है कि आसरा है ना आसरा एक बेसिकली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक वेलफेयर स्कीम है किस स्टेट में लॉन्च किया गया है ताकि गरीबों को यहाँ पे मदद की जाए ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है नेक्स्ट जीएसटी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपको बताना है कि कितना परसेंट बढ़ा है ट्वेंटी सिक्स परसेंट जी कलेक्शन बढ़ चुका है सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं अजय बादू इनको अपॉइंट किया गया डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर तो द नेक्स्ट वेरी इट इज़ थोड़ा आपको याद हो जाए इसलिए इस मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू अक्टूबर के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज कर रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं तो ये है अजय बादू फाइन नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू जी ने कन्फर्ट किया था अवार्ड फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण तो so, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण इन न्यू दिल्ली अब आपको बताना है कि जब ये दिया गया तो बड़े राज्यों के श्रेणी में सबसे ज्यादा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है किस राज्य को मिला है है ना? ये मिला है आपको तेलंगाना को तेलंगाना को बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा साफ ग्रामीण यानी कि इनके गांव बड़े साफ हैं फिर हरियाणा है फिर, फिर तमिलनाडु है और स्टेट और यूटी में अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा साफ है और फिर दादर रन नागर हवेली है ठीक है फॉर्मूला वन रेसिंग सर्जियो पेरेज ने अवार्ड जीत लिया है सिंगापुर एफ वन ग्रैंड प्रिक्स तो सिंगापुर एफ वन ग्रैंड प्रिक्स अवॉर्ड किसने जीता है थोड़ा बहुत आपको याद कराने के लिए इसको थोड़ा सा सिंपल किया गया है ठीक है हाँ जी तो दिस इज दिस इज सर्जियो पेरेज दिस इज सर्जियो पेरेज इंडियन जैवलिन थ्रो थ्रोअर है जिनका नाम है शिवपाल सिंह इनको सस्पेंड कर दिया गया 2025 तक तो शिवपाल सिंह कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है दिस क्वेश्चन कैन बी आस्ट इनको अक्टूबर तक 2025 तक इनको बोला गया है कि डोपिंग के आरोप में ये फर्दर नहीं खेल सकते विनय मैं देख रही हूँ आई में नहीं है ठीक है तो यह है शिवपाल सिंह नेक्स्ट इंडियन स्कीपर यानी कैप्टन रोहित शर्मा ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने चार सौ टी ट्वेंटी मैच खेले हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन प्लेयर फ्रॉम इंडिया कौन बने हैं जिन्होंने चार सौ जिन्होंने चार सौ टी ट्वेंटी मैचज खेले हैं तो ये हैं रोहित शर्मा ऐसे ही ऐसे ही तुम्हारा स्पून फीडिंग करवाना पड़ेगा है ना सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे ही बताने होंगे पहले क्वेश्चन बताओ फोटो दिखाओ और फिर क्या करो फिर आपको क्वेश्चन पूछो और फिर तुम आंसर दोगे ऐसे कॉन्फिडेंस बुस्टअप होगा है ना हम्म नहीं कुछ कुछ टाइम इसको फॉलो करते हैं ताकि आप जो है थोड़े कॉन्फिडेंट फील करें और एग्ज़ाम में थोड़ा आपको ईज हो ठीक है अब देखिए वर्ल्ड हैबिटेट डे हैबिटेट डे यानी कि जानवर के लिए जो हैबिटेट्स होते हैं हमारे प्लांट एनिमल सब ये थर्ड ऑफ अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ओल्डर पर्सन के लिए कौन सा दिवस होता है ये फर्स्ट अक्टूबर होता है नेक्स्ट आप देखें सुजलॉन एनर्जी चेयरमैन तुलसी तांती पास जावे तो तुलसी तांती जी का निधन हो गया आपसे पूछा जा रहा है कि अक्षय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा यानी रीनुएबल रिसोर्स ये प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं तुलसी तांती फोर्टी सिक्स वर्ष में इनका निधन हो गया सिक्सटी फोर वर्ष में इनका निधन हो गया तो ये किस कंपनी से रिलेटेड है सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड है सी उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना तो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनके लिए ये योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है आना ये बनी है प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी है प्राइम मिनिस्टर बनी है सर्बिया के ठीक है आज सेकेंड धोनी है ट्री फिफ्टी टी ट्वेंटी मैच वेरी गुड नेक्स्ट आप देखें इंटरम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में अभी तुमारी वाला ये इंटरम थे सारिक्स सारिक्स 2022 नेशनल मेरी सर्च एंड रेस्क्यू एनर्जी तो रेस्क्यू एक्सरसाइज ये हुआ है आपका चेन्नई में नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजीत सेन जी का निधन हो गया है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट को ये बहुत फेमस किस फील्ड में थे ये फेमस थे इकोनॉमिक्स के फील्ड में नेक्स्ट दिवाली तक 5G जी अनाउंस कर रहा किस कंपनी ने रिलायंस जियो ने फाइन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड मीट द चैम्पियन इनिशियटिव कितने इन हाउ मेनी स्कूल तो कितने स्कूल में ये गए हैं 26 स्कूल हैं टोटल एन पी सी आई ने लॉन्च किया एक रेंज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ऑन रुपे तो रेंज ऑफ क्रेडिट कार्ड जो एन पी सी आई ने अनाउंस किया है ये आई सी आई सी आई है नेक्स्ट राहुल शर्मा हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट रिसेंटली इज़ रिलेटेड टू विद स्पोर्ट्स राहुल शर्मा की स्पोर्ट्स से रिलेटेड है इज रिलेटेड टू क्रिकेट नेक्स्ट किताब लिखी गई है ठीक है और पूछा जा रहा है कि इस किताब को किसने लिखा है लेखक का नाम इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री तो इंडियन इकोनॉमी ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा द किताब इज रिटन बाई उपड़े बालाकृष्णन ठीक है शटरिंग अवेयरनेस डे शटरिंग इंटरनेशनल शटरिंग अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्वड एवरी ईयर ऑन तो गाइज एक काम करो यार सेशन को थोड़ा तो 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 लाइक करो ठीक है और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग और जल्दी जल्दी आंसर दो

तो ये ट्रेन जो है भारत का मालगाड़ी एलुमिनियम द्वारा बनाया गया है तो ये भुवनेश्वर में बना है यंगेस्ट प्लेयर टू डिब्यू टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप तो सबसे जो यंग प्लेयर है जिन्होंने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में अभी डिब्यू किया है इनका नाम क्या है इनका नाम है आन खान है ना फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ये कहाँ पे किस स्टेट में हुआ तो ये होगा अगले साल मध्य प्रदेश में ओके डिफेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कौन बने हैं इनका नाम है गिरधारी गिरिधर 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 काती बिहू काती बिहू बिहू एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है बीहू मनाया जाता है असम में लेफ्टिनेंट दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना हैज अप्रूव द प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप ऑफ हाउ मेनी जिला सैनिक बोर्ड तो हर जिला में सैनिक बोर्ड स्कूल्स बनेंगे दिल्ली में तो ये बच्चों को डिफेंस के लिए ट्रेन करेंगे ये फोर टोटल चार फर्स्ट इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज तो जनरल डिग्री कॉलेज ये बना है अंग्रेजी मीडियम का ये त्रिपुरा में बना है त्रिपुरा में वर्ल्ड ब्लॉक समिट इसको कंक्लूड किया गया है ब्लॉक समिट को ये दुबई में कंक्लूड किया गया है ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सिस्टम 2022 तो पूछा जा रहा है विच कंट्री इज होस्टिंग द ये पूरा समिट ये समिट है बांग्लादेश द्वारा होस्ट किया गया है नेक्स्ट एम ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इसके चेयरमैन एंड एमडी कौन बने हैं ये प्रदीप सिंह आरोला हैं इनके चेयरमैन एंड एमडी बने हैं इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक फ्लैगशिप कल्चरल प्रोग्राम और इसका नाम क्या है इसका नाम है सारंग ये साउथ कोरिया में वो स्टार्ट किया गया है प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो आदित्य एल वन मिशन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो हैं ये कौन है इनका नाम है इनका नाम याद रखेगा शंकर सुब्रमण्यम के ठीक है शंकर सुब्रमण्यम के ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड नंबर वन बासमती राइस दुनिया का सबसे वर्ल्ड नंबर वन बासमती राइस ब्रांड ये कौन सा ब्रांड है तो ये है इंडिया गेट अगर प्रचार कर रहे हैज़ बिकम द हु अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी का नाम आप ध्यान रखें तो ठीक है नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इनका नाम क्या है इनका नाम है संजय मल्होत्रा मैं देख रही हूँ आप सभी का कमेंट देख रही हूँ है ना ठीक है प्रधानमंत्री तो जी ने मिशन लाइफ को किस स्टेट में लॉन्च किया गुजरात में लॉन्च किया गया है बी एस एन एल लार्जेस्ट लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइडर है और आपको बताना है कि किस कंपनी ने इसको सरपास कर दिया है तो अब सबसे ज्यादा रिलायंस जियो का सर्विस प्रोवाइडर है आकाश फॉर लाइफ ये आप बताएं विद सिटी विल होस्ट थ्री डे आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस इन नवम्बर टू तो ये लॉन्च किया गया है आपका देहरादून द्वारा ये क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं सबसे कम समय के लिए ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है ठीक है और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए यू शुड बी नोइंग द आंसर फाइन गाइस और जो आज के इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उसको मैं कर दूं तो बेसिकली द थिंग इज अबाउट मैप तो आपको कुछ मैप्स को आपको देखना है फर्स्ट थिंग इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका दो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आते हैं ये आप देखिए यूथोपिया है सोमालिया है और इरिटेरिया है नहीं? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये तीन कंट्रीज आते हैं ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से कंट्री आते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने अभी तक हॉर्न ऑफ आफ अफ्रीका में आप नहीं देखा है आप जरूर देखिए फाइन अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको कोरिया का स्ट्रेट दिख रहा है यानी कि एक पतला सा नदी पानी का जो वाटर बॉडी है जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है और दो लैंड मार्क्स को डिसकनेक्ट कर रहा है तो ये कोरिया स्ट्रेट है फाइन अब आज का होमवर्क क्या है कि आपको एनओ आर डी ठीक है नॉर्थ स्ट्रीम वन और नॉर्थ स्ट्रीम टू के बारे में पढ़ के आना है क्या है ये नॉर्थ स्ट्रीम वन क्या है ये नॉर्थ स्ट्रीम टू फाइन यस बाकी अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो आप इंजीनियरिंग के महापैक में आ सकते हैं जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे हर एक स्टेट का ए हर एक स्टेट का जेई साथ ही साथ आपको आईएमडी जैसे ये सारे वैकेंसी आते हैं एसएससी के तो एसएससी की आईएमडी है अगले अगले साल के लिए नेक्स्ट ईयर इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर मिशन दो हज़ार तो ये सारे मिशन 2023 के बैचेस है यू पी के बैचेस है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फिर आर आर के बैचेस है डी के टी आर टू के बैचेस चल रहे हैं टेस्ट सीरीज़ भी आपको महापैक में मिल जाएगा अग, अगर आप अलग से कोई बैच में जाना चाहते हैं यू कैन डू दैट यू कैन टेक दैट टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज़ का कोड है वाई और बाकी बैचेज का जो कोड है वो वाई है डिफेंस का महापैक भी है आपके पास डिफेंस के महापैक में आपको सी डी एस सी ए पी एफ़ एफ कैट के साथ साथ बाकी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हो जाएगी एन की तैयारी हो जाएगी आर्मी ऑर्डिनेंस की हो जाएगी तो अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो भी आप कोड यूज़ कर सकते हैं बाई तीन अदरवाइज़ अगर आपके पास डिफेंस का महापैक है तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा अगर आप कोई नए स्टूडेंट है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बैचेस में किस तरह से इनरोल होना है तो आप मुझे बता दीजिए कि किस बैच के बारे में आप जानना चाहते हैं आई विल टेल यू इट इज़ वेरी ईजी आपको बस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर आना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर आते ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हैं आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे जब आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं तो आपको ये पूरा पोर्टल मिलेगा जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं आप डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें सारे एग्जाम्स आपके सामने फॉर एग्जाम्पल सी डी एस एफ कैट अग्निवीर ए ओ सी ये सारे एग्जाम्स यहाँ हैं अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आपको सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ नए बच्चे हैं उनको एस एस सी जेई के लिए तैयारी करनी है तो दो के बैचेस भी आ चुके हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग है सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने यहाँ पे व्यू ऑफर्स में यूज़ किया कोड Y332, Y332 ठीक है कोड हाँ थ्री टू अगर आपने यूज़ किया तो ये बैच आपको मिल जाएगा 2874 एट में लेकिन अगर आपके पास सिविल का महा पैक है तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है अलग से क्योंकि उसमें सब कुछ एक जगह ही आपको मिल जाएगा फाइन नेक्स्ट अगर आप डिफेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल मैं डिफेंस का दे दूँ सी डी so, एस तो सी डी एस अग्निवायु बिल्कुल अग्निवीर वायु का भी है तो सी डी एस फॉर एग्जाम्पल आप ओ टी ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं ओ टी ए की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं यहाँ पे बस आप व्यू ऑफर्स में जाएंगे और आपने कोड यूज करना है कौन सा कोड यूज करना है आपने वाई थ्री थ्री टू और अप्लाई कर देना है इसको अप्लाई करते ये बैच आपको वन एट थ्री नाइन रुपीज़ में मिल जाएगा इसके अलावा जिस भी अगर आपको कोई अलग से किसी भी बैच की तैयारी करनी है बस आप उस पर सर्च करेंगे उस एग्जाम का नाम सर्च ऑप्शन में मिल जाएगा कोड आप यूज़ करेंगे वाई तीन सौ बत्तीस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज के लिए वाई थ्री थ्री टू एस यूज़ करेंगे फाइन टेस्ट मैक्सिमम बना के जाएंगे एग्जाम में बिना टेस्ट बनाए आप नहीं जाएंगे ओके हाँ ठीक है ठीक है वाई यू के लिए वा के लिए भी बहुत ईजी है प्रोसेस ऑल कोर्सेज में आप गए डिफेंस पे गए ठीक है अग्निवीर आर्मी देख रहा है आपको अग्निवीर नेवी दिख रहा है आपको अग्निवीर वाई यू दिख रहा है तो वायु पे आप क्लिक करें वायु के बैचेस जो हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये नॉन कॉम्बेटेंट है ये आपका पूरा बैच फुल बैच है जहाँ पे जीके है साइंस है मैथ्स है फिजिक्स है रीजनिंग है इंग्लिश है सब जितने भी चीज़ें आते हैं सब कुछ यहाँ पर डाल दिया गया है और यहाँ पर आपने कोड यूज़ करना है वाई टी थ्री टू और अप्लाई कर देना है और ये वन वन फोर नाइन रुपीज़ में आपको ये बैच मिल जाएगा फाइन ऑल द वेरी बेस्ट गाइज ऑल और अच्छे से पढ़िए आप लोग कहीं कोई भी डाउट होगा आप जरूर पूछिए